हेलो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज हम लोग सीखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, प्रोजेक्ट है पूरे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए क्योंकि ह्यूमन uh, जीनोम का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग कंप्लीट जेनेटिक मेकअप को समझ सकें ताकि इससे आने वाले समय में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या और कोई जिन रिलेटेड इश्यूज हो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें ठीक है ना तो चलो इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे राइट तो देखो पहले हम लोग ह्यूमन जिनोम के बारे में बात करते हैं सो ह्यूमन जिनोम जो है ऑल टुगेदर हमें मालूम है उसके अंदर में uh, 24 फोर क्रोमोजोम्स हैं और हम लोग कह सकते हैं 22 टू आउटोजोम्स और दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्स और वाई मेल के केस में और एक्स एक्स फीमेल के केस में है ना तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हम लोग बोलते हैं है ना लेकिन मेल के केस में हम लोग इसको ट्वेंटी फोर बोलेंगे चूंकि एक्स और वाई बिल्कुल अलग अलग हो गया ओके तो ह्यूमन जीनोम के की बात करें तो ऑल टुगेदर वहां पे हम लोग थ्री बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स को देखते हैं और ऑल टुगेदर ह्यूमन के अंदर में थर्टी थाउजेंड जीन्स करीब करीब होते हैं तो एवरेज जीन यदि हम लोग बोले तो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ राउंड अबाउट थ्री थाउजेंड हालांकि ये सभी साइजे वैरी करती है सो द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इन कोडिंग वो कौन सा है इज डिस्ट्रोफिन जिसके अंदर में मिलियन बेस होते हैं ओके okay? कुल मिला के थ्री परसेंट ऑफ द जीनोम जो है वो एसिड्स को कोड करते हैं बाकी का सारा का सारा जंक जीएनए या रेपिटेटिव डीएनए होता है ओके okay? एक बात और है मोस्ट ऑफ दीज डीएनए का फंक्शन हमें मालूम नहीं और अभी उस दिशा में अभी भी काम बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं ओके okay? चलो कुछ और स्टार्ट हम लोग देखते हैं जैसे क्रोमोजोम वन हैज अ मोस्ट चीन टू थाउजेंड नाइन सिक्सटी एट है और वाई क्रोमोजोम के अंदर ऑफ चीन होते हैं ओनली टू थर्टी वन तो देखो यदि हम लोग पूरे इंडिविजुअल्स को देखें तो सभी के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स या जीन जेनेटिक मेकअप हर एक स्पीसीज का तो एक ही होता है ओके okay? लेकिन इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं और डिफर डिफरेंस जो है वो जस्ट पॉइंट टू परसेंट ऑफ द बेस पेयर्स होता है और यही डिफरेंस जो है ना वो आगे जाके उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है जो कि हम लोग अगले सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओके okay? सो so, ये जो डिफरेंस है दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉफिजम है ना और ये जो है जैसा मैंने अभी आपको बोला ये आधार बन जाता है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ओके okay? तो देखो थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है राइट right? और ये इनिशियली शुरू किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स ओके ये दोनों ने द्वारा इसको शुरू किया गया था ओके okay? Uh, थोड़ा माइल हमें ध्यान में रखना चाहिए 1986 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी पहले भी बोला बाय द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ओके 1996 में वेलकम ट्रस्ट यूके ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था बाद में 1998 में सेलरा uh, जीनोमिक्स ने भी इसको ज्वाइन किया ओके okay. और

और द फर्स्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस फॉर क्रोमोसोम 22 एंड 2003 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था राइट चलो गोल क्या था टू आइडेंटिफाई द 20,000 थाउजेंड टू ट्वेंटी जीन्स इन ह्यूमन डीएनए एट द सेम टाइम डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स डेट मेकअप द्यूमन डीएनए टू स्टोर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द डेटा

कि वो जीन डेट आर एक्सप्रेस एज अ आर एन ए जिसको कि हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स कहते हैं ओके okay. दूसरा क्या था सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जी डेट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ओके एंड आफ्टर देन असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं सो देर आर टू थिंग्स एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन ओके तो क्या होता है इसके लिए हम लोग करते कैसे थे द टोटल डीएनए फॉर्म सेल वॉज आइसोलेटेड और बाद में उसको एक रैंडम फ्रैगमेंट में तोड़ दिया जाता था स्मॉलर साइज में ओके बाय यूजिंग सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज वेक्टर्स तो दो वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते थे दैट इज द बैक बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वाई एसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये दो फैक्टर कॉमनली फैक्टर्स जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ तो वैक्टर्स की जरूरत क्यों क्यों थी क्योंकि इस जो फ्रेगमेंटेड जीन है उसको हमें एम्पलीफाई करना है स्टडी करने के लिए और बाद में उसको क्लोन करना है तो क्लोनिंग के लिए हमें वैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो क्लोनिंग हुआ क्लोनिंग के बाद फिर एम्पिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डी हुआ और बाद में उसके सिक्वेंस को स्टडी किया गया सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वैक्टर्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे वो दो थे दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम राइट बाद में हमने क्या दिया द फ्रैग्वेंस फे सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस ओके सो दिसम प्रिंसिपल दॉ डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगो वंस इट इज डन द सीक्वेंस फे अरेन्ज बेस्ड ऑन समीजन प्रेजेंट इन दम ओके सो यह सारा का सारा काम ह्यूमन के द्वारा करना पॉसिबल नहीं तो नहीं था सो दैट्स वाई द ऑटोमेटेड डी एन ए सीक्वेंसेज वेर एक्चुअली यूजड ओके बाद में एक स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किया गया जिसमें ये पूरे की पूरे के पूरी सीक्वेंसेस वेर सब्सक्टली एनोटेटेड एंड वेर असाइन टू ईच क्रोमोजोम ओके तो देखो द सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोजोम वन राइट डैट वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मे टू राइट And uh, uh, the last of the twenty-four human chromosome. Okay, right. Now these are the saline features of the human genome project. So we can say the human genome contains 3,164.7 million base pair. Average gene consists th three thousand base pair, but size may vary largest lone human dystrophin already told you that has a 2.4 million bases the total number of genes is estimated at 3000 okay. and 99.9% uh, .9 are exactly the same in all people right less than 2% of the genome codes for the protein repeated sequence make up large portion of the human genome repetitive sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times okay they are thought to have a no direct coding functions but they have a evolutionary role already told you chromosome 1 has a 2968 in chromosome 1 has a just 231 basis so scientists have identified about 1.4 million locations where single base dna differences okay SNPs that is pronounced as a sniff that is single nucleotide polymorphism okay so that is important they have identified about 1.4 million locations where single dna differences that a single nucleotide polym polymorphism occur in human so what happens that uh, these were very very important with reference to their association with some disease locations okay so these are the salient features of human human genome project now there are some issues of concern as well and they 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 issues includes ethical, legal, and social as well. Okay, so these are this fairness in the use of genetic information. There is a concern of privacy and uh, confident con confidentiality of genetic information, physiological impact, reproductive issue, clinical issue, and the there may be some sort of uh, uh, uncertainties associated with the gene test for susceptibilities and the complex condition. Now fairness to access to the advanced genomic technologies, conceptual and philosophical implications, health and environment, commercialization of products, education, standards and quality controls, patent issues. So these were the issues of concern, right? So these are the things as far as the entire uh, human genome project is concerned, okay? So before I conclude, Uh, I would like to say that in case of Human Genome Project from competitive purpose, what you have to do, three things what you have to keep in your mind. पहली बात की ह्यूमन uh, Genome प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई उसके साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे certain बेसिक datas, कितने जीन्स होते हैं क्रोमोजोम वन में कितने जीन पेयर हैं क्रोमोजोम वाई में सबसे कम है राइट right? टेस्ट्रॉफिन जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन जीन बेस है उसमें ok so these are the some of the things that is exclusively mentioned in your ncrt textbook that is very very important so from competitive purpose what I suggest you is strictly stick to the information that is given on the ncrt textbook don't go beyond that because that is not at all required right that's all for today thank you don't forget to like and subscribe the channel right thank you